कालिया। साल 1981 में आई अमिताभ बच्चन की एक ऐसी फिल्म जिसमें उन्होंने एक बार फिर से साबित किया कि वो अभिनय के हर विधा में माहिर हैं, चाहे बात हो गंभीर अभिनय की या फिर हल्के फुल्के पर बेहद ही टाइमिंग से भरे हुए कॉमेडी की। इस फिल्म में एक से बढ़कर एक जबरदस्त दृश्य देखने को मिलते हैं, जिन्हें और भी ज्यादा खास बनाते हैं इनके जानदार डायलॉग्स। जिस हीरे पे तुम्हारी नजर थी वो अब मेरे हाथों में। तेरी ये नजर है। कालिया जो भी उस हीरा 24 घंटे के अंदर मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। ये कालिया कौन है? मैं वही कल्लू हूँ जिसे तुमने कालिया बनाया। तुमने बड़ी ऊंची छलांग लगाई है कालिया। आपने अब तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम इन जानदार डायलॉग्स के पीछे की कई शानदार किस्सों पर नजर डालेंगे, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। फिल्म कालिया के बेहद ही प्रभावशाली डायलॉग्स लिखे थे इंदर राज आनंद ने, जो कि फिल्म के निर्देशक टीनू आनंद के पिता थे। इंदर राज आनंद बॉलीवुड के सफलतम डायलॉग राइटर्स में से एक थे, जिन्होंने आग, संगम, सीआईडी, अनाड़ी, हाथी मेरे साथी और नागिन शरीखी कई बेहद ही मकबूल फिल्मों के डायलॉग्स लिखे थे। बात करें फिल्म कालिया की तो इंदर राज आनंद एक बार फिर से अपने चिरपरिचित अंदाज में डायलॉग्स लेकर आए थे, जिनमें तू आतिशे दोजक से डराता है जिन्हें, वो आग को पी जाते हैं पानी करके जैसे बेहद ही भारी भरकम डायलॉग भी शामिल थे। तू आतिशे दोजक से डराता है जिन्हें, वो आग को पी जाते हैं पानी करके। मुझे आज अगर अपने खून की नहर में तैर के भी जाना पड़े तो भी जाके दिखा दूंगा, और मैं बचाने जा रहा हूँ एक नन्ही सी जान को जो मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। इस डायलॉग को लेकर एक किस्सा कुछ यूं है कि जब निर्देशक टीनू आनंद ने यह डायलॉग अमिताभ बच्चन को दिया तो उन्हें यह कुछ खास पसंद नहीं आया। दरअसल यह डायलॉग तो बहुत अच्छा था, परंतु जिस सीन के दरमियान इसे बोला जाना था वहां अमिताभ बच्चन को यह फिट बैठता नजर नहीं आया। ऐसे में उन्होंने टीनू आनंद से कहा कि इस डायलॉग को बदल दिया जाए, पर टीनू आनंद इस बात से सहमत नहीं हुए और कहा कि इसे मेरे पिता ने लिखा है और उन्होंने इसे कुछ सोच समझ कर ही लिखा होगा। इधर अमिताभ बच्चन भी जिद पर अड़ गए और कहा कि या तो डायलॉग बदलो या फिर फिल्म का हीरो ही बदल दो। बात काफी आगे बढ़ गई, परंतु टीनू आनंद अपनी बात पर अड़े रहे। जब अमिताभ बच्चन ने देखा कि टीनू किसी भी सूरत में डायलॉग बदलने को तैयार नहीं है तो उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी और इसे उस दृश्य में शामिल करने के लिए मान गए। लेकिन टीनू से यह भी कहा कि इसे दर्शकों के द्वारा पसंद नहीं किया जाएगा और अगर पसंद किया गया तो मैं एक्टिंग छोड़ दूंगा। बहरहाल इस दृश्य को शूट कर लिया गया और जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने इसे खूब सराहा, पर अमिताभ बच्चन तब तक इस बात को भूल चुके थे और उन्होंने एक्टिंग को नहीं छोड़ा। इसके अलावा फिल्म कालिया के ओपनिंग सीन में ही कुछ बड़े हास्यास्पद डायलॉग सुनने को मिलते हैं, जहां कल्लू बने अमिताभ मुख्तार सिंह नामक एक काल्पनिक चरित्र का बखान करके शेखी बघारते नजर आते हैं। मुख्तार सिंह वो आदमी है जिसके नाम से शहर की पुलिस भी कांपती है और पब्लिक भी। फिर? अरे फिर क्या, आज उसकी मौत आई थी जो हमसे उलझ गया। सरकार की तरह वो सारी दुनिया से टैक्स लेता फिरता है, आज हमसे टैक्स मांगने चला है। पूछो किस बात का। किस बात का? कहने लगा तुम्हारी टांगे ज्यादा लंबी हैं, सड़क ज्यादा घिसती इसलिए टैक्स देना पड़ेगा। इस दृश्य में अमिताभ के डायलॉग बोलने का अंदाज और मुख्तार सिंह नामक यह काल्पनिक चरित्र लोगों को खूब पसंद आया और इसे टीनू आनंद ने अमिताभ बच्चन के साथ अपनी अगली फिल्म शहंशाह में दोहराया, जहां अमिताभ के ओपनिंग सीन पर कुछ ऐसे ही डायलॉग्स रखे गए और मुख्तार सिंह के नाम का जिक्र भी हुआ। खिलना नहीं अपनी जगह से मुख्तार सिंह। सुना है जिस बाजार से तुम गुजरते हो बाजार खाली हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे शहर में कर्फ्यू लग गया हो। लोग तो क्या, सुना है पुलिस वाले भी तुम्हारे नाम से कांपते, लेकिन हम कांपने वालों में से नहीं है। यहाँ मजे की बात यह रही कि इस बार मुख्तार सिंह का किरदार काल्पनिक न रखकर उसे वास्तविकता का शक्ल दिया गया और इस किरदार को निभाने की जिम्मेवारी महाभारत फेम प्रवीण कुमार को दिया गया। फिल्म कालिया में एक अन्य महत्वपूर्ण डायलॉग सुनने को तब मिलता है जब जेल में अमिताभ बच्चन और बॉब क्रिस्टो के बीच जोरदार लड़ाई होती है। जी हाँ, यह डायलॉग है, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। कालिया, कालिया, कालिया।
हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। इस डायलॉग को अमिताभ बच्चन के द्वारा बोले गए कुछ बेहतरीन पंच लाइन्स में शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि वास्तव में यह डायलॉग अमिताभ बच्चन ने नहीं बल्कि बॉब क्रिस्टो ने बोला था, और अमिताभ बच्चन ने उनके जवाब में यही कहा था कि हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अगर आपने कालिया फिल्म देखी हो तो इस बात पर भी अवश्य गौर किया होगा कि अमिताभ बच्चन के बैकग्राउंड साउंड के तौर पर कालिया कालिया की आवाज सुनाई देती है। यह साउंड वास्तव में कालिया के किरदार को काफी वजनदार बना देता है। क्या आपको पता है कि वास्तव में यह किसकी आवाज है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि यह आवाज फिल्म के निर्देशक टीनू आनंद की ही है। हालांकि यह कोई एकमात्र डायलॉग नहीं था जिसके लिए फिल्म में टीनू आनंद ने आवाज दी थी, बल्कि इसके अलावा उन्होंने फिल्म के अन्य कई किरदारों को भी डब किया था। बहरहाल यहां आपको यह भी बताता चलूं कि अमिताभ बच्चन के कैरियर की बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाने वाली इस फिल्म में कालिया के किरदार के लिए धर्मेंद्र और विनोद खन्ना के नाम पर भी विचार किया गया था, पर जहां धर्मेंद्र ने डेट्स की कमी के कारण फिल्म को मना कर दिया, जबकि विनोद खन्ना ने धर्मगुरु ओशो की शरण में जाने के लिए फिल्मों से संन्यास ले लिया। हालांकि इस भूमिका में अमिताभ बच्चन को लेने में भी टीनू आनंद को एक स्टूडियो से लेकर दूसरे स्टूडियो तक उनका पीछा करना पड़ा था। वास्तव में टीनू जब भी अमिताभ बच्चन को फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाने जाते, अमिताभ बच्चन व्यस्तता का हवाला देकर टाल जाते। इससे तंग आकर एक दिन टीनू आनंद अड़ गए और फिल्म डॉन के सेट पर अमिताभ बच्चन को कहानी सुनने पर मजबूर कर दिया। जब कहानी पूरी हुई तो टीनू आनंद ने अमिताभ बच्चन से कहा कि अब आप यह मत कहिएगा कि आपको कहानी पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे पता है कि इसने आपको काफी प्रभावित किया है। यह सुनकर अमिताभ बच्चन ने टीनू से पूछा कि आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि मुझे यह कहानी पसंद आई है। टीनू का जवाब था कि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि जब आप स्क्रिप्ट सुनने के दौरान सिर के बालों को संवारते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि आपको कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, लेकिन आपने मेरे कहानी सुनाने के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसका साफ मतलब है कि आपको यह बेहद ही पसंद आई है। अमिताभ बच्चन को टीनू का यह आत्मविश्वास काफी जचा और उन्होंने फिल्म के लिए हाँ कर दी। तो ये थी साल 1981 की लोकप्रिय फिल्म कालिया पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें, तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।